Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update. From Gradeup. So limits. लिमिट्स हमारा कैलकुलस का बेस है, आधार है, ठीक है। हमारे आइजक न्यूटन साहब ने, गॉटफ्राइड लिबनीज साहब ने अपनी थियोरीज को प्रूफ करने के लिए लिमिट्स का फंडा इन्वेंट किया, ठीक है। अपनी थियोरीज को दुनिया को दिखाने के लिए इनफाइनाइटेसिमल का फंडा इन्वेंट किया। तो ये होता गया, हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो लाइक हमने ना एक फंक्शन ले लिया लाइक एक्स प्लस टू, ठीक है। हम देखें यार कि इसकी x टेंस टू टू पे वैल्यू क्या होगी, ना ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू टू पे वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एक बार हमको इसको लेफ्ट से अप्रोच करना है, एक बार राइट से अप्रोच करना है, ठीक है। हिंदी में बोले तो x को दाएं बाएं करने पे y कहाँ जा रहा है, ठीक है, फंक्शन कहाँ जा रहा है, fx कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अब मतलब बहुत ही जल्दी से इसका ग्राफ बना सकते हैं। x को जीरो डाला, वाई टू आ गया, वाई को जीरो डाला, एक्स माइनस टू आ गया, ग्राफ होता है एक्स प्लस टू का, ठीक है। तो एक्स की टू वैल्यू पर ये फोर होता है एग्जैक्टली, ठीक है, एक्स टू पर ये फोर है। और अगर टू से थोड़ा सा छोटा है या टू से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि यार टू से थोड़ा सा छोटे पे है ना, उसे बोलते हैं टू माइनस एच, ठीक है। टू से थोड़े से बड़े पे इसे बोलते हैं टू प्लस एच। इट इज लाइक राइट हैंड नेबरहुड, दाएं वाला पड़ोसी। इट इज लाइक लेफ्ट हैंड नेबरहुड, बाएं वाला पड़ोसी, ठीक है। तो इसमें y कहां जा रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। तो 2 से थोड़े से बड़े पे लाइक 2.1 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। 2.01 डालेंगे तो 4.01 हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर डालते हैं 2.00001, तो ये 4 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड नेबरहुड, ठीक है, इस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, लाइक हम लेफ्ट हैंड में 1.9 डाल देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3.9। और अगर हम 1.999 डाल देते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 3.999, ठीक है। सिमिलरली इट विल अप्रोचेस टू 4, है ना, फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड। जैसे जैसे हम x को 2 के क्लोज लाते हैं वैसे वैसे ये 4 को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों पे इसकी वैल्यू हम देखें किसको अप्रोच कर रही है, 4 को अप्रोच कर रही है। तो दोनों साइड से जो लिमिट का वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड से है ना एक्स की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और 2 से थोड़ी सी बड़ी है, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। यहां पे जो एच होता है ये इनफाइनाइटेसिमल होता है, ठीक है। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या होता है, ठीक है, पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा हीरो है ये। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है, जो मतलब दुनिया का सबसे छोटा नंबर ऐसे लगा लो आप, ठीक है। हाँ जी, दुनिया का सबसे छोटा नंबर। आप बोलोगे कैसे बता सकते हैं दुनिया के सबसे छोटे नंबर को, देखो जीरो के बाद पॉइंट लगा के पूरी दुनिया में जीरो लिख दो, है ना, जहां पे जगह, नाक पे, कान पे, आंख पे, हर जगह जीरो लिख दो, ठीक है। अगर कहीं पे है ना पूरी दुनिया में जीरो 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 लिख दो, ठीक है, जीरो भरे पड़े दुनिया में, तो जहां पे लास्ट में हल्की सी खाली जगह बच जाए वहां पे वन लिख दो, ठीक है। इसको बोलते हैं दुनिया का सबसे छोटा नंबर, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो x टेंस टू 2 पर ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, x टेंस टू 2 पर चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है ना, चाहे वो नीचे से है या ऊपर से, ये फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें पता है, इतना आता है हमें, है ना, थोड़ा सा हमें आता है, लिमिट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि सबसे पहले जब भी हमें लिमिट्स का क्वेश्चन आता है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को देखना है कि क्या वो इक्वल है और क्या वो एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल है, ठीक है, तभी ये लिमिट क्या करेगी, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें लिमिट का क्वेश्चन आता है तो हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो हमें यहां से क्या फंडा पता लगा, लाइक 2 माइनस एच पे 2 प्लस एच पे इसकी जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है ना, जरा एक हम बोल सकते हैं एफ टू माइनस एच, एफ टू प्लस एच, ये दोनों को दोनों के दोनों किसको अप्रोच कर रही है, 4 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी किसी पॉइंट ए पे, ठीक है, एक्स टेंस टू ए पे अगर हमें ऐसे दिया है एफ एक्स, ये हमें निकालना है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है इसका एफ ए से कोई वास्ता नहीं है। हो सकता है मे बी सम केसेस वेयर एफ ए इज नॉट डिफाइन, ठीक है, जहां पे एफ ए डिफाइन ही नहीं हो, तो हमें मतलब ही नहीं है एफ ए से यार। लाइक हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं,
लाइक हमें ऐसे आ जाए, ये सेम क्वेश्चन हमें ऐसे आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू, ठीक है, वही लिमिट एक्स टेंस टू टू, ठीक है, मान लिया सेम क्वेश्चन हमें ऐसे आ गया। अब बट वी कैन से कि यार यहां पर ना एक्स टू पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, क्या बन रहा है यहां पे, जीरो बाय जीरो, ठीक है, इसे इनडिटरमाइंड बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या है यहां पे, ठीक है, टेंस टू जीरो बाय टेंस टू जीरो है, ठीक है, तो ये फंक्शन टू पर एग्जैक्टली टू पर ये हमारा डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन टू से थोड़ा सा पहले और टू से थोड़ा सा बाद में इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो बाय जीरो, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये थोड़ा आगे सीखेंगे, है ना। तो अभी तो हमें बस इतना सीखना है कि x2 पर ये फंक्शन अगर हमारा डिफाइन नहीं है या x a पे ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से, ठीक है, समझ में आ रहा भाई। तो आप देखो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी एफ ए माइनस एच, ठीक है, इसे बोलते हैं एल एच एल, ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, है ना, 50 तरीके से लिख दो यार, कैसे भी लिख दो, कुछ लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, कितनी अंग्रेजी मान लो, लेफ्ट हैंड लिमिट ये होती है ना, सिमिलरली एक होती है ना राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट को आप कैसे बोल सकते हो एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, सिमिलरली कैसे बोल सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, है ना, एक्स को ए से थोड़ा सा बड़ा किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं और फाइनाइट हैं तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है ए पे, अदरवाइज हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि यार कोई अगर हमें लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स दिया है तो एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू आर एच एल मस्ट बी इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू, है ना, कोई फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पक्का, तो इतना हमें भाई पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है जी। सो लेट मी टेक फ्यू एग्जाम्पल्स, लाइक हमने ऐसे लिख लिया लिमिट एक्स टेंस टू फोर, ठीक है, ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, अब आप देखो चाहे फोर से थोड़ा सा बड़ा नंबर डालें 4.0001 या फोर से थोड़ा सा छोटा नंबर डालें 3.999, ठीक है, उसका स्क्वायर किसका अप्रोच करेगा 16 को, ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब 16 प्लस 2 आंसर विल बी 18, ठीक है, इन एनी केस एल एच एल ओ या आर एच एल ओ, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, तो हमें एक आमतौर पर एक जनरल बात याद रखनी है कि पॉलिनोमियल में एक्स को अगर हम कहीं से भी अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, इसमें लिमिट हमेशा इक्वल होती है, अप्रोच करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बट अगर यही चीज हम ऐसे ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू फोर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अब देखो यार अगर हम यहां पर इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, एक्स को फोर को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब यहां पे 3.999 समथिंग डाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू किसको डेंड करेगी, ठीक है, हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन, कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू इसमें डालते हैं तो ये किसको कहां शिफ्ट हो जाता है, ये पिछले नंबर पे शिफ्ट हो जाता है, लास्ट इंटीजर पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट देख सकते हैं, अगर हम एक्स को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 4 प्लस एच, ठीक है, तो इट इज लाइक 4.0001, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4 होगी, तो व्हाट डज दिस मीन कि एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं इस केस में लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है भाई लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है और कब नहीं कर रही है, ठीक है, पक्का। सो थोड़े से इन्फिनिटी के नियम जान लेते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी के बारे में पता है हमें, ठीक है, इन्फिनिटी क्या होता है ना, तो इन्फिनिटी के अगर डेफिनेशन दी जाए, ठीक है, तो आप ऐसे बोलो मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर इसकी दी जाए तो ऐसे है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस वन बाय एक्स, दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है, आप इसको थोड़ा और ऐसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इन्फिनिटी, ठीक है, मैथमेटिकल द प्रॉपर डेफिनेशन इज लाइक दिस, ठीक है, कैसे थोड़ा सा सोचें ऐसे, ठीक है, लाइक वन बाय जीरो पॉइंट, ठीक है, दुनिया में हर जगह जीरो लिख दें और फिर वन लिख दें, ठीक है, दुनिया में हर जीरो जीरो लिखने के बाद वन लिख दिया भाई, सोच लो वन अपॉन दुनिया का सबसे छोटा नंबर तो क्या आने वाला है, वन अपॉन दुनिया का सबसे बड़ा, तो डायरेक्टली क्या आने वाला है, सबसे बड़ा नंबर,
ठीक है, कैसे? लाइक अगर हम इन पॉइंट के बाद सिर्फ 20 बार जीरो लगा के वन लिख दें, ठीक है, 20 टाइम्स जीरो लगा के वन लिख दें, इट इज 10^21, भाई हमारी पॉपुलेशन नहीं है इतनी, ठीक है, हैं तारे होंगे इतने, ठीक है, बट हमने 20 ही जीरो थोड़ी ना लगाने, हमने तो दुनिया में हर जगह जीरो लिख देना है, ठीक है, कहीं जगह बची तो वन लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फाइनाइट को अप्रोच करती है, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े नंबर को अप्रोच करती है, ठीक है, इन्फिनिटी की वैसे अंग्रेजी में परिभाषा ऐसे बोलते हैं लार्जर देन द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, सच अ बिग नंबर वी कांट अज्यूम, इट इज नॉट ओनली, इट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ सिंबल टू डिनोट दैट क्वांटिटी, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही होगा, है ना, ये भी इन्फिनिट को टेंड करेगा, बट अगर यहाँ पे जीरो माइनस होता मान लिया, ठीक है, जीरो से जस्ट छोटा नंबर है ना, वन अपॉन दुनिया का सबसे छोटा नंबर है ना, माइनस का 0.001, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिट, ठीक है, तो इन्फिनिटी के बारे में ना थोड़े से नियम हमें जान लेने चाहिए, वो जान लेते हैं, ठीक है, तो इन्फिनिटी का नियम नंबर एक, ठीक है, इन्फिनिटी में अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो वो भी इन्फिनिटी रहता है, ठीक है, ठीक है, इन्फिनिटी में अगर कुछ हम मान लिया, तो हमने इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ा है तो वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में अगर कोई हम फाइनाइट क्वांटिटी भी जोड़ते हैं, ठीक है, फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल हो, ठीक है, 10 करोड़, 10 लाख, व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी जोड़ते हैं, इट इज इन्फिनिटी, और कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कितनी भी बड़ी नंबर हो, कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट इज स्टिल्स इन्फिनिटी, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, इन्फिनिटी इज लाइक अ पैसिफिक ओशियन, ठीक है, आप वैसे तो वो फाइनाइट है, बट अभी के लिए ऐसे समझ लो, ठीक है, उसमें से अगर आप कुछ मग्स ऑफ वाटर निकाल दो, ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे नाउ दिस इज पैसिफिक ओशन एंड माइनस सम मग्स ऑफ वाटर, वो पैसिफिक ओशन ही रहेगा, ठीक है, या मान लिया कोई हमारा भाई राहुल, राहुल आप में से कोई इसमें 10 मग्स ऑफ वाटर डाल देता है, तो हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे पैसिफिक ओशन नाउ रीनेम्ड एज पैसिफिक ओशन प्लस राहुल 10 मग्स वाटर, ठीक है, इट इज स्टिल पैसिफिक ओशियन, सिमिलरली इन्फिनिटी में आपने कुछ 10,000 जोड़ भी दिया या 10 करोड़, 10 लाख कुछ भी जोड़ दिया तो वो स्टिल इन्फिनिटी, और कुछ भी 10 बिलियन ट्रिलियन जो भी सब्ट्रैक्ट कर दिया इट इज स्टिल इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी, सबसे बड़ा नंबर इंटू सबसे बड़ा नंबर इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू पावर इज इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, और एक ऐसे ले लो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, वो होता है जीरो, ठीक है, आप ऐसे सोचो है ना एक पैरामीशियम को आपने एक डायनासोर से लटका दिया, ठीक है, नीचे ऊपर लाइक एक बहुत ही है ना यूनिसेलुलर प्राणी है और नीचे हमारा दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है ना, वन बाय इन्फिनिटी, वन बाय दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, इट अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो के करीब होगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इन्फिनिटी के कुछ नियमों के बाद अब हमें सीखना है कि लिमिट हमें कब सॉल्व करनी और कैसे सॉल्व करनी, ठीक है, तो अगर मान लिया हमें ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए लिमिट एक्स टेंस टू 5 साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, तो सिंपल है ना इसका आंसर क्या, एक्स में 5 डाल दिया ये आ गया, ठीक है, तो ये डिटरमाइंड है, ठीक है, तो अगर बट यहीं पे जीरो होता तो ये क्या बन जाता, 0/0 फॉर्म बन जाता, ठीक है, तो ये इनडिटरमाइंड है, ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो लिमिट को कुल मिला के हमें ना 7 केसेस में सॉल्व करना है, बाकी अगर डिटरमाइंड केसेस हैं उनका तो आंसर हम लिख ही देंगे, ठीक है, तो वो 7 केसेस कौन कौन से होंगे उनको हम देख लेते हैं, तो वो 7 केसेस कौन कौन से होंगे उनको हम देख लेते हैं, ठीक है, लाइक 0/0, ∞/∞, ∞×0, 0^0, ∞×0, ∞−∞ एंड 1^∞, ठीक है, तो ये 7 केस हैं यार जो हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है, आप इसे ना मोर प्रिसाइजली ऐसे बोल सकते हो tends to 0/tends to 0, tends to ∞/∞, tends to ∞×tends to 0, ठीक, मोर प्रिसाइजली आप ऐसे बोल सकते हैं सभी, ठीक है, एग्जैक्टली 0/0 इज अनकाउंटेबल है ना, मतलब इनडिटरमाइंड, एग्जैक्टली उसको हम नहीं निकाल सकते, अभी तक उसको नहीं फाइंड किया जा सका है, ठीक है, तो 0/0 इनडिटरमाइंड क्यों है, tends to 0/tends to 0 इनडिटरमाइंड क्यों है, मान लिया कि कोई फाइनाइट हो जाता, ये कुछ डिटरमाइंड आ जाती, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती, ठीक है, सोचो कोई फाइनाइट नंबर आ जाता, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 = 0 के इधर ले जाते हैं 0×some finite number, तो अब ये फाइनाइट नंबर कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है,
कुछ भी हो सकता है, लाइक 15, 20, 50, ठीक है। तो कोई डिटरमाइंड वैल्यू नहीं है ना, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है इसकी, कुछ भी हो सकता है ये। तो इसलिए ये क्या है, इनडिटरमाइंड वैल्यू, ठीक है। तो हमको ना लिमिट्स को केवल फ्यू केसेस में सॉल्व करना है, जहां पर भी कुछ इनडिटरमाइंड केसेस में सॉल्व करना है, ठीक है। तो कौन कौन से वो इनडिटरमाइंड केस हैं, लाइक टेंस टू जीरो बाय टेंस टू जीरो, टेंस टू इन्फिनिटी बाय टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, टेंस टू जीरो इन टू टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब टेंस टू बार बार नहीं लिखते, आप समझ जाओ, ठीक है। और जीरो रेस टू जीरो, इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और वन रेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें इन 7 केसेस में लिमिट्स को सॉल्व करना है, बाकी टाइम पे हमको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो वाई दिस इज इनडिटरमाइंड, है ना। तो एक इसी फॉर्म से यार, बाकी की ये सारी फॉर्म आई हुई है, ये थोड़ी अलग है, ठीक है। तो एक बार एक फॉर्म को देख लेते कि 0/0 क्यों इनडिटरमाइंड है। मान लिया कुछ डिटरमाइंड होता, कुछ डिटरमाइंड मतलब वैल्यू आती ना, 2, 3, 4, कुछ तो फाइनाइट फिक्स वैल्यू आती। तो अब सोचो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, लाइक 0 = अगर 2 भी होता तो हम इसे को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0, उस केस में भी सही है। 3 भी होता उस केस में भी सही है, ठीक है। तो ये कोई डिटरमाइंड वैल्यू नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली 0/0 तो आज तक कोई डिटरमाइंड नहीं कर सका है, बट अभी लिमिट के लिमिट में हम टेंस टू 0/0 ये सब केसेस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है। तो हमारा फंडा क्या है, हमारा फंडा बहुत सिंपल है कि हमको इनडिटरमाइंड फॉर्म से डिटरमाइंड फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। ये 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म है, इनसे डिटरमाइंड फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो लाइक कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लिया, x²-3x+2/x-1, ठीक है। आपका ऐसे लिमिट x → 1, ठीक है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि ये 0/0 की फॉर्म है, जरा 1 डाल के देखो, है ना, 1-3+2, यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहे हैं, और 1-1 ये भी किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि कौन सी फॉर्म है, 0/0 की फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसे इनडिटरमाइंड फॉर्म से डिटरमाइंड फॉर्म में लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे, फैक्टराइजेशन इज अ मेथड, ठीक है। तो इसको फैक्टर किया ऊपर वाले को, है ना, फैक्टर करना हमको आता है, ठीक है। और इस फैक्टर को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो लिमिट x → 1 पे x - 2 की वैल्यू देखी, ठीक है। मतलब 0 वाला फैक्टर जो भाई जो इनडिटरमाइंड बना रहा था, वो वाला फैक्टर क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। और 1 पे इसकी वैल्यू देखी, तो इट इज लाइक 1-2, इट इज लाइक y - 1, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे इनडिटरमाइंड से डिटरमाइंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देर आर सो मैनी केसेस एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी ना हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, बिफोर दैट हम एक फंडा पढ़ लेते हैं, एक दो फंडे देख लेते हैं, ठीक है। तो हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिससे हम लिमिट्स के मोस्टली सभी क्वेश्चंस कर सके, ठीक है। तो पहले हम एक बेसिक सा फंडा देख लेते हैं थोड़ा सा। मतलब जब भी आप ये देखो टेंस टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि भाई लिमिट जो है एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, x²-1/x²(2x²+3), सिंपल क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। और ये टेंस टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, हम लव रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। कौन सा रूल, लव रूल, ठीक है, है ना। तो हमारा लव रूल क्या कहता है, ठीक है ना, कोटा में बताते हैं यार ऐसे, है ना, कभी कोटा में था मैं। तो लव रूल कहता है वी लव इनफाइनाइट एट डिनोमिनेटर, ठीक है। जो हमारा बहुत बड़ा नंबर है इन्फिनिटी, उसको हम डिनोमिनेटर में चाहते हैं, ठीक है। उससे होगा क्या, बिकॉज जहां पर भी इन्फिनिटी आ रहा है, एक्चुअली ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, और अगर हम इसे कहीं पर भी 1/∞ कन्वर्ट कर सकें, या 2/ या एनी फाइनाइट नंबर बाई इन्फिनिटी कन्वर्ट कर सकें, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 0, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, हमारी अप्रोच क्या होती है, हमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ऊपर से कॉमन लेना है, और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स नीचे से कॉमन लेना है, ठीक है। तो ऊपर से कॉमन लिया और नीचे से कॉमन लिया, ठीक है। तो ये हमारा, अब हमें पता है यार x² से x² कैंसिल हो गया यहां पे, और ये किसको, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, है ना। 1/∞ is 0, है ना, फाइनाइट बाय इनफाइनाइट इज 0, ठीक है। लव रूल बहुत काम का रूल है यार, है ना, प्यार की भाषा, ठीक है।
सो ये तो हमारे एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमारी ऊपर वाले की लिमिट और नीचे वाले की लिमिट दोनों सेम थी. अभी हम डिग्री दोनों की सेम थी, ठीक है. अभी हम एक और केस ले सकते हैं जिसमें दोनों की डिग्री सेम ना हो. इसके ऊपर आईडी में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी करेंगे. तो मान लिया यहां पर डिग्री हो जाए 3, ठीक है, और ये क्वेश्चन हो जाए हमारा, ठीक है. मान लिया न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है. सोचो अब अगर आप हाईएस्ट पावर कॉमन ले रहे हो ऊपर से, तो एक एक्स तो बच जाएगा ना ऊपर, सब तो कटेगा नहीं, ठीक है. तो एक्स इंटू दिस, एक्स इंटू 1/2, ये बचेगा फाइनली आपका, ठीक है. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है ना. अब ये क्या यार, ये तो इनफाइनाइट को टेंड कर रहे हैं ना आपका, ठीक है. एक्स इनफाइनाइट को टेंड कर रहे हैं, तो ये किसको टेंड कर रहे हैं, इनफाइनाइट को टेंड कर रहे हैं. तो व्हाट वी कैन से कि अगर ऊपर वाले की न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि इसका जो आंसर है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है. अगर ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है. चलो अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होगी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होगी, मान लिया इसे हम एक्स फोर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्यूब भी रहने देते हैं. अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हुई और ऊपर नीचे दोनों से हमने हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, नीचे से तो चलो ऊपर से तो क्यूब भी कॉमन लिया, नीचे से फोर्थ पावर कॉमन ले ली, तो इट अब नीचे एक्स आ जाएगा एक फालतू, ठीक है. मतलब इट इज लाइक 1/2x करके बचेगा एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, ठीक है. तो ये 1/∞ मतलब सम फाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहे हैं, ठीक है. तो समथिंग इनटू इनफिनिटी इज इनफिनिटी, तो इट विल बी जीरो, ठीक है. तो अगर नीचे वाले की डिग्री बड़ी है इनफिनिटी टेंड्स टू इनफिनिटी वाले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की, तो आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को. सो एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, ठीक है, उसकी मदद से भी हमें एक छोटा सा फंडा आ जाएगा. लाइक इस बार का क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे लिखा हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/x अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 15/x, ठीक है. तो यहां पर हमने यार क्या देखा कि हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 1/0 प्लस किसको अप्रोच करता है, इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, ठीक है. तो अगर ये इनफाइनाइट को सारे के सारे किसको अप्रोच कर रहे हैं, इनफाइनाइट को, तो एक बात ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कुछ भी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं तो बंधन खुल जाएंगे, है ना, इट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू एक्स, ठीक है. लाइक यहां पर लिखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इट इज एक्स, ठीक है. वाई, क्योंकि आप सोचो ना यार, दुनिया का बड़े से सबसे बड़े से बड़ा नंबर, उसके आगे कुछ पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है 0.23, तो क्या उस नंबर और उस 0.23 नंबर, है ना, इतने से डिफरेंस में कोई फर्क पड़ता है ना, इतने लार्ज नंबर के सामने इतने डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. इट इज लाइक कि हमारी कोई, हमें कोई बोले, माइक्रोसॉफ्ट बोले कि आपको हम 10 करोड़ पे पैकेज ऑफर कर रहे हैं, और हम बोले नहीं भाई, हमें तो 10 करोड़ प्लस 3 पैसा चाहिए, ठीक है यार, 10 करोड़ मिल रहे हैं, ठीक है, 3 पैसे क्यों चाहिए हमें, ठीक है, 5 पैसे, 10 पैसे, 9 पैसे, कुछ भी चाहिए ना, वो डेसिमल वैल्यू वो मायने नहीं रखती, ठीक है, और छोटी है वो, ठीक है. तो है ना, हमें ध्यान रखना है. अब देखो फिर क्या है, बंधन खोल दो सारे, हो गया क्वेश्चन, ठीक है. एक्स इंटू 1/x, 2/x अप टू 15/x, सारे एक्स कैंसिल, आंसर क्या, 1 से लेके 15 तक का सम, मतलब n+1/2, मतलब क्या, 120, सिंपल है ना यार, ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है, ओके.